दीपक प्रकाश का औकात क्या है? वो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात करना, और टंकी जिस तरह की बात कह रहे हैं, रोड में सड़क में पहली बार निकले हैं, क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो वो दीपक प्रकाश इस सब नहीं बोलेगा तो उसका दुकान कैसे चलेगा और कैसे उसको अखबार में आप जगह दीजिएगा? वो तो विपक्ष का काम है, उसके पास हम बोले ना कि और भी तो कुछ इशू है, उस पर बात करना चाहिए उसको। उसका कब उसका बयान में आप सही, आप तरह का कोई सुझाव, राज के हित में कोई चीज़ सुझाव देते हैं? पता नहीं दोनों हाथ से खुल के कैसे लूटा जाता है। तो दीपक प्रकाश चुके हो सकता है पहले लूटा हुआ, इसलिए बताया गया आपके दोनों हाथ से लूटने का। दीपक प्रकाश जी माननीय सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। दीपक प्रकाश का औकात क्या है? वो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात करना, नौटंकी जिस तरह की बात कह रहे हैं, वो अपना निकल के रात रोड में निकल जाए ना, अपने पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ें मैंने कि बोलना मैंने सूरज को धूप दिखाने के जैसा होता है। तो उसको अपना औकात को और अपना ये को समझना चाहिए। वो क्या ये दीपक प्रकाश आपका जनाधार वाले नेता है, हम लोगों को नहीं पता है? कृपा में है तो बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जैसे नेता, आप राहुल गांधी को जिस तरह से बात, आप एक सांसद मात्र हैं, ठीक है चलिए माननीय सांसद है, लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, ये मैंने ये सांसद टाइप का ये बयान नहीं है, बयान नहीं है। चले ना रोज कम से कम यही चले, इसी पे 1000 किलोमीटर अपने चले तो गाँव गाँव जावे कम से कम। आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा इस देश के अंदर और विकास की गंगोत्री पर। राहुल गांधी तो हाथ ले तो कुचलने को तैयार है। राहुल जी को राजनीति का काका गगा कुछ नहीं जानकारी है। चीन में चीन की के बारे में बात करने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? नेहरू जी के जमाने में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में मिलाने का काम किया था कि नहीं? यही राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन किया था कि नहीं? इसलिए रोड में सड़क में पहली बार निकले हैं, क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।